कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली, तो यकीनन ये आपकी बात बिल्कुल सही है। रीजनल पार्टीज जब बात करेंगे, जगनमोहन रेड्डी आंध्रा में जीते, वहां पर बीजेपी को पूरे 25 पार्लियामेंट काउंसिल में सिर्फ 10 कितने वोट मिले, 10,000 वोट भी नहीं मिले। हाईएस्ट जो वोट मिले उनको, जहां से पुरंदेश्वरी खड़ी थी, 30,000 वोट मिले। वैसे आप केरला में चले जाइए, जहां पर कांग्रेस है वहां पर उनका मिल रही। ये बात फैक्ट है, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो यही तो आप इस देश को मुतबादल तलाश करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि 2014 में और अब 2019 में फ़र्क ये होगा कि इस बार बीजेपी अपने हिंदू आइडेंटिटी या नेशनलिज्म को सामने रखकर अब जिन्होंने वादे किए उससे बच पाएंगे या उससे छुपा दे सकते हैं। इस बार उनको काम करना पड़ेगा और इतना बड़ा मैसिव मैंडेट इनको मिला है, इनको बताना पड़ेगा काम करके। नहीं बताएंगे तो फिर देखिए, जब हिंदुस्तान की आवाम इनको आसमान पर लेकर जा रही है तो कल ज़मीन पर भी लाएगी। इस देश ने इंदिरा गांधी के उस दौर को भी देखा जब लोग बोलते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इस देश ने वो भी देखा, आज भी देख रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की इलेक्टोरेट इनसे अब सवालात करेगी और हम बहसत अपोजिशन इनसे पूछेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे, इनसे पॉइंटेड क्वेश्चन करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जो ब्रांड मोदी बीजेपी ब्रांड नहीं? देखिए, बीजेपी का जो स्ट्रांग पॉइंट था वो नेशनलिज्म, जिसका काउंटर नहीं कर पाए नेशनल पार्टी, उसको उन्होंने अप्रोप्रिएट कर दिया और तोड़ मोड़ कर पेश किया। हिंदू आइडेंटिटी उन्होंने उसको इस तरह से पेश किया। तीसरा, यकीनन बीजेपी के पास एक फॉर्मिडेबल इलेक्टोरल मशीनरी है, चाहे सोशल मीडिया बोलिए या मीडिया में बोलिए, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें हैं जिसको तमाम पार्टीज को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा और उसके लिहाज से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ेगा। नहीं, लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन और उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की हिफाजत करना, हम ये काम करते और करते रहेंगे। मगर साथ ही साथ हमारी, हम ये समझते हैं कि अब जो हम पर इल्ज़ाम लगता था हमेशा कि भाई आपके जाने से वोट कट जाते हैं, आपके जाने से बीजेपी जीत जाती है, वो तमाम इल्ज़ाम झूठे साबित हुए, क्योंकि आप ही नहीं रोक पा रहे हैं। तो अब हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम जाएंगे उन स्टेट्स में, वहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, चाहे यूपी हो, वहाँ पर यूपी में हम लोग दूसरे पार्टी से भी अलायंस करेंगे, जो छोटे पार्टियाँ हैं उनसे मिलेंगे, उनसे काम करेंगे। और जो महाराष्ट्र में हमने किया, देखिए ये नैरेटिव क्या बन चुका है कि मुसलमान टिकट दिए तो नहीं जीतता। इम्तियाज़ जलील जो आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है, वो इलेक्शन फर्स्ट टाइम लड़े और जीत गए। हमने अलायंस किया हमारे बड़े भाई बाड़ा साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ। तो इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। ये अब इनकी बातों को मैं सुनने वाला नहीं हूँ जो कहते थे कि भाई वोट कट जाएंगे, पोलराइजेशन होगा। अरे भाई, सब चीज़ हो चुका है, अभी अब इससे बढ़कर नहीं हो सकता। तब हम रुकने वाले नहीं हैं, आप सही कह रहे हैं। हम अपने संगठन को, अपनी पार्टी के काम को, इलेक्शन जो जहाँ पर हम नहीं लड़े वहाँ लड़ेंगे आज तक। पश्चिम बंगाल, हाँ क्यों नहीं, यकीनन ये मेरा मुल्क है। मैं देखिए, इलेक्शन जीतना तो सेकेंडरी है, मगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना, उन नौजवानों में एक डेमोक्रेसी के फेथ को और मजबूत करना, मैं समझता हूँ कि मेरी प्राइमरी ड्यूटी है, उसको करूँगा। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित समाज के लोगों को और उन समाज के लोगों को जो हिंदुस्तान की कंपोजिट कल्चर पर यकीन करते हैं और जो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस संघ परिवार के इस मिशनरी को हराया जाए, उनके पास हम ऑप्शन बनेंगे, ऑल्टरनेट बनेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि KCR का जो प्रपोजल था, एक आइडियल प्रपोजल है वो, और वो आज भी रिलेवेंट है, आज भी इनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये लोग चाहते हैं, खासतौर से रीजनल पार्टीज़, कि इनका वेट रहे, इनके फेडरलिज्म में जो खासतौर से जो कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स है वो स्टेट को आए, तो इनको सोचना पड़ेगा। जो KCR का प्रपोजल है, ये खासतौर से रीजनल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आज भी रेलिवेंट है। कल ही तो नतीजा आया है, तो इतना जल्दी इस सवाल का जवाब नहीं दिया सकता, मगर आगे देखिए क्या हो